सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अगली बार मेरी इंक्वायरी की ना तो अल्लाह कसम तेरी जो चमड़ी है ना जिस्म से जुदा कर दूँ, समझी? बस करो इमरान, बस करो। इतने जुल्मों की इंतहा मत करो। किसी मासूम सी बच्ची पर इतना जुल्म करना भी ठीक नहीं होता। अल्लाह सजा देगा तुझे। मेरे साथ कुछ ऐसा करेगा कि तू जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। तड़पता रह जाएगा तू। देख, तेरी हिमायत करने वाली आ गई। क्या जादू किया तुमने मेरी अम्मी पर? हाँ बोल। दरवाजा खोल इमरान, मत कर उस पर इतना जुल्म। क्यों मासूम सी बच्ची को सता कर खुद के लिए जान जोखिम तैयार कर रहा है तू? खोल दरवाजा इमरान। दरवाजा खोल दे इमरान। क्यों मम्मी, क्यों कर दिया आपने मेरे साथ ऐसा? एक माँ की सबसे बड़ी दौलत उसकी दुनिया, उसकी जिंदगी की नीमत उसकी औलाद होती है। तूने मुझे एक बेटा दिया है परवरदिगार, उस बेटे को उठा ले। आज एक माँ हाथ उठाकर तुझसे अपने बेटे की मौत की दुआ मांगती है। उठा ले मेरे अल्लाह, उठा ले। तूने कुरान में लिखा है कि तू जुल्म करने वालों से
उनके जुल्मों का हिसाब लेगा। इस मासूम सी बच्ची को आजाद करा दे, उस पर इन जुल्मों की इंतहा को खत्म करा दे। मौत बहुत दर्दनाक होती है, लेकिन मेरे बेटे की मौत इस बच्ची की जिंदगी को आसान करा देगा। उठा ले मेरे बेटे को, मेरे मौला उठा ले। क्यों मम्मी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? रख सहने की आदत सी हो गई, पर फिर भी ये दिल जवाब सुनना चाहता। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मेरी ये एक गलती मेरी जिंदगी का नासूर बनके मेरे वजूद को खोखला करता जा रहा है। हर दिन तेरी सास तेरी अम्मा का खोखला पर बढ़ता जा रहा है। इमरान ने मेरे साथ हज किया था, हज करने के बाद एक मुसलमान के मुंह से झूठ तक बोलना हराम है। मुझे लगा था कि अब वो शराब नहीं पिएगा, ऐसा हराम काम नहीं होगा एक मोमिन के घर में, और इसलिए मैंने उसकी शादी तुझसे करा दी। मैं तेरी गुनहगार हूँ मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरे सामने तो उसी दिन सारी सच्चाई आ गई थी अम्मी। कितने दिनों तक इमरान मुझसे बेवकूफ बनाते हैं, और मैं उनकी हर बात पर यकीन करती चली गई। इमरान, ये शराब की बोतलें हैं ना, पर आप तो अम्मी के साथ अभी हज करके आए हैं ना, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कमाल है मेहनाज, जानती हो ना हज कर लिया है, उसके बाद भी ऐसे हराम की चीज को हाथ भी कैसे लगा सकता हूँ। डोंट डाउट ऑन मी, ये बॉटल्स मेरे दोस्त निखिल की है, घर पे आता था तो मेरे रूम में चुपके से पी लेता था, बस और कुछ नहीं सच में। या अल्लाह, एक पल में न जाने हमने क्या क्या सोच लिया था, हमें माफ कर दीजिए, हमने आप पर शक किया। कोई बात नहीं, वही पल में जो सोचा था अंदाजा भी नहीं था कि वही मेरी जिंदगी की सच्चाई बनने वाली। अम्मी, क्या जिंदगी भर मेरे साथ ऐसा ही होगा? बोलिए ना अम्मी। इमरान जाती कर रहा था इस बच्ची के साथ, और अब यही बैठे रहे। ये तुम लोगों का दोस्त का नाटक है, समझे? मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं तुम लोगों के झगड़े में? झगड़ा उसे कहते हैं जब दो लोग एक दूसरे का मुकाबला करते हैं, लेकिन जो इमरान कर रहा है ना इस बच्ची के साथ, सुन कहते हैं। बस और कुछ बताना समझाना बाकी है तो वो भी बोल ले। तुझे पता है ना, कई सालों से मैं उस बदतमीज लड़के से बात नहीं करता, लेकिन तुझसे आज पूछता हूँ, उसे ज्वारी शराबी किसने बनाया? क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाह नहीं रहा, कह रहा हूँ, तेरी परवरिश में वो बात नहीं है कि वो एक अच्छा इंसान या एक अच्छा बेटा बनता, सब तेरी गलती है। एक माँ का फर्ज निभा नहीं पाई थी, अब जेल उस ज्वारी शराबी को। चुप हो जाइए अम्मी, आपके और मेरे हालात में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। चलिए आप मेरे साथ चलिए।
रुको मैं फोन लगा कर बुलाओ अपने अबू को, मैं समझाऊंगी उन्हें। पर अम्मी सिर्फ 23 साल की हो तुम, पूरी जिंदगी रखी है तुम्हारे सामने। बुलाओ अपने अबू को, तभी तुम्हारा पीछा छूटेगा इस शैतान से। श्रीलंका, इंग्लैंड। शैलेश भाई, इंग्लैंड पे लगा दो। देख लो इमरान भाई, डूबा तो पूरा 50 लाख जाएगा। पिछली बार भी तू 40 लाख हारा था। लास्ट टाइम 1 करोड़ जीता था। 40 लाख हारा था लेकिन 60 लाख फायदे में था। अरे भाई, इमरान भाई अपने हारने वाले खिलाड़ियों में से नहीं है। वक्त से तेज तो भाई की किस्मत चलती है। अब एक किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती है, सब नॉलेज और कैलकुलेशन होता है। अरे सट्टे इसी पे जीते जाते हैं यार। हेलो, घर जल्दी आ जाइए, तो जरूरी बात करनी है। भाईजान, मैं जानती हूं कि मेरी लाखों माफिया भी कम है, लेकिन सिर्फ आप ही इस बच्ची को जुल्मों से बचा सकते हैं। मेरे पास जो कुछ भी है मैं इस बच्ची को दे दूंगी। इमरान तो कभी सुधरने नहीं वाला, ना तो वो शराब छोड़ेगा और ना ही अपनी जुआ। आप बस इमरान और उसके अब्बू के सामने तलाक की बात रख दीजिए। हाँ अब्बू, अब और नहीं सहा जाता, प्लीज हमें यहाँ से ले चलिए। भाईजान, अब इसकी जिंदगी आसान रहेगी। हमें जो कदम उठाना है हमें अभी ही उठाना होगा। आगे चलकर अगर कई दोनों के बीच बच्चा हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फंस जाएगी ये बच्ची, और इसके लिए अलग होना बहुत मुश्किल और दर्दनाक भी हो जाएगा। देखो बेटा, औरत अगर चाहे ना तो अपने हिसाब से अपने शौहर को किसी भी सांचे में ढाल सकती है। तुम्हें तो मालूम है ना बेटा, कितनी परेशानियों से हमने तुम्हारी शादी की है, और अगर तुम ऐसे घर बैठ जाओगी तो तुम्हारे खानदान वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बेटा, अब जो कुछ भी है, जैसी भी है, यही तुम्हारी जिंदगी है। कोशिश करो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम अब्बूजान, कह रहे थे सब। वालेकुम अस्सलाम बेटा, सब कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ना आज आपके अब्बू आए, इनकी कुछ खातिरदारी कीजिए, इनके लिए कुछ लजीज पकवान बनाइए, कुछ बिरयानी बिरयानी बनाइए इनके लिए। नहीं बेटा, अब हम चलते हैं, खुदा हाफिज़। अब्बू जान, आपका दामाद इंजीनियर है, माशाल्लाह काफ़ी पैसा कमाया। जब भी आप यहाँ पर आइए, कुछ खा के ज़रूर जाइए, और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे बेझिझक कहिए, आपकी मदद कर देंगे। नहीं बेटा, अल्लाह ना करे हमें दामाद की मदद लेनी पड़े। अपना ख्याल रखना बेटा, हम चलते हैं, खुदा हाफिज़। अबू जान, अपनी बेटी को दुआ तो देके जाइए। बेटा, अल्लाह हमेशा खुश व खुर्रम रखे, अपना ध्यान रखना, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। शांत हो जा, शांत हो जा। आखिर एक औरत के हाथों में क्या होता है, क्या उसके हाथों में उसके वो बाप होता है जिसने उसे पैदा किया, बड़ा किया? क्या वो उसके हर दर्द को समझ सकता है, या फिर उस औरत के हाथों में उसका शौहर होता है, एक अजनबी इंसान जो उसे हमेशा के लिए उसके माँ बाप से जुदा कर देता है, ले जाता है अपने साथ। क्या वो हर घड़ी दुख के समय पर उसके कंधे पर हाथ रख देता है,
फिर उसके हाथों में उसकी औलाद होती है, जो खुशी खुशी बिना कोई सवाल किए उसकी हर बात को मान लेती है, उसकी फिक्रों को कम कर देती है, उसके आंसू आंसू भी पोंछ देती है। मत करिए मम्मी, मत करिए ना, कलेजा सीने से बंद कर बाहर आ जाएगा, बस करिए। एक औरत खुद अपने ही हाथों में होती है, होती भी है या नहीं, एक औरत की जिंदगी की पहले अपने बाप भाई शोहर और फिर अपने बच्चों के बीच उनके नाज नखरे हुकुम चलाते चलाते बीत जाती है, और में क्या रह जाता है उसके पास, महल आंसू और एक अधूरी जिंदगी। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैं तेरी गुनहगार हूँ, मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे। कैसे रिश्ते कैसे हैं नाते, अपने ही अपनों को क्यों गम दे जाते, कैसे रिश्ते कैसे हैं नाते, अपने ही अपनों को क्यों गम दे जाते, दीवारें जुड़ी भी तो घर कैसे माने, अपने ही अपनों को ना पहचाने, बदलती हवाएं रुख कौन जाने, उजड़ते घरों देना ठहरते ठिकाने, सुहाने सपने दिखाते झूठे ये फसाने, कैसे ये रिश्ते कैसे है नाते, अपने ही अपनों को क्यों गम दे जाते। औरतें हमारे समाज का अभिन्न अंग होती है, लेकिन कई बार समाज के नाम पे उन पे कई अत्याचार किए जाते हैं, उन्हें उनकी छोटे से छोटे हक के लिए महरूम रखा जाता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जीत अंत में औरत की ही होती है, क्योंकि नारी शक्ति का दूसरा रूप होती है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, लेकिन महनाज और साफिया के लिए ये कहावत कुछ और मायने रखती थी। ये दोनों अपना मान सम्मान बचाने के लिए डूब रही थी और इन दोनों का सहारा ये दोनों ही थी। अफसोस की बात तो ये है कि इन्हें डुबाने में और कोई जिम्मेदार नहीं था इनके बेटे और इनके पति के अलावा। शराब और नशा हमारे समाज में व्याप्त वो कृति है जिसने ना जाने कितने घरों को बर्बाद करके रख दिया है। इमरान जो कि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर था, वो भी इस नशे का शिकार हो चुका था, लेकिन उसकी ये लत सिर्फ नशे तक ही सीमित नहीं थी, जुए और सट्टे ने भी उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। अब देखना यह है कि कब तक महनाज और साफिया ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहेंगी। क्या साफिया महनाज का साथ देगी? क्या महनाज इस जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएगी? आइए देखते हैं। महनाज, मेरी तो जान सूखती जा रही है ये सोच सोच करके कि कहीं इमरान घर के दस्तरखान पर शराब पिलाना शुरू कर दे। मम्मी, नमक तो सही है, आप भी एक बार चख लें।
एक काम करो बेटा, घर पर जितनी भी शराब की बोतलें हैं उन सबको बाहर फेंक दो। हम डरो मत बेटा, जाओ। ये मेरा गरीब खाना। वाह क्या शानदार गरीब खाना है। चलो अंदर चले। वैसे ये वाली जॉब भी तुमने छोड़ी थी इमरान भाई, आजकल तो जॉब वैसे भी नहीं है, एंड जिनकी है उनकी भी जा रही है। अरे जानता हूँ मैं, लेकिन तुम लोग ना मेरी तरह सोचते नहीं हो। मेरा ना गेम प्लान ही अलग है। गुड़गांव में जमीन देखी है, पेपर की फैक्ट्री डालने का प्लान है। अरे एक बार बिजनेस शुरू हो जाए ना, उसके बाद किसकी ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। हाँ यार, और वैसे भी भाई को पैसे की कमी तो है नहीं, और जब से मैंने देखा है भाई हर बाजी जीत रहा है, चाहे फिर वो सट्टा हो या फिर डायरेक्ट गेमलिंग। अरे एक बात बताओ, भूख भूख लगी है नहीं लगी है? हाँ भाई। अरे डिनर करते हैं। हाँ नहीं बेनाज जी, खाना लगाओ। जी आए। ये मेरी बीवी मेनाज है। सलाम भाभी। वालेकुम सलाम। ठीक है जाओ, कुछ जरूरत होगी तो बुलाता हूँ। जी मैं दही पल्ले लेकर आती हूँ। अरे तो खड़ी क्यों हो, लेके आओ। इमरान भाई कैसे सूखा सूखा, कोई विस्की या फिर कोई रम नहीं है? अरे हाँ जरूर, भी मंगवाते हैं। बेटा सब ठीक तो है ना? जी मैनाज। जी अब्बू। मेरा खाना कमरे में पहुंचा दो। जी अब्बू लाए। मैनाज एक मिनट, विस्की की बोतल लेके आना। जी घर में तो कोई बोतल नहीं है। क्या बकवास कर रही हो, अपने हाथों से रखी है मैंने, कैसे नहीं है? जी मैंने तो कोई बोतल नहीं देखी। जाओ बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वो सब कुछ जल्दी बेहतर कर देगा। रहने दीजिए ना अम्मी, क्या फर्क पड़ता है। जिस लड़की के बाप ने उसे अपनी इज्जत का वास्ता देकर एक ऐसे शैतान के साथ बांध दिया हो, भला उस लड़की के लिए क्या बुरा और क्या अच्छा। बस घड़ी की सुई घूम रही है और मानो जिंदगी जैसे भाग रही है। अम्मी काश काश हमारी जिंदगी की घड़ी की सुई भी बहुत तेज रफ्तार से भागती तो हमारी परेशानियां भी बहुत जल्दी खत्म हो जाती ना। पर अम्मी आप हौसला ना छोड़े, अल्लाह जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। मैनाज जी, जी आए। खाना अच्छा बना इमरान भाई। क्या खा अच्छा है? बेहद ही बदमजा खाना है, हमारे घर पे ऐसा बेसौर खाना रोज नहीं बनता है, लेकिन आज हमारे दोस्त आए हैं तो ये हाल है। इमरान भाई खाना वाकई में बहुत अच्छा है, रहने दीजिए ना। मैं बात कर रहा हूँ ना। मैनाज एक मिनट, ये लो गाड़ी की चाबी, गाड़ी में बॉटल रखिए, लेके आना। ये पकड़ो भी। अरे अभी तक सर पे क्यों खड़ी हो, जाओ।
इतना प्रमोशन में क्यों आ रही हो? जल्दी आओ। विनाश इधर आओ, बैग बना। हम बैग प्लीज आप बना लीजिए। इमरान भाई रहने दीजिए ना, मैं बना देता हूँ बैग। एक मिनट, मैंने कहा ना ये बनाएगी, मतलब ये बनाएगी। पैक बना, बना पैक। देख क्या रही है? पैक बना। बीवी से पैक बनवा रहा है, अपने दोस्तों के खिलाफ शराब से भरवा रहा है तू? वाह बेटा, क्यों ना ये काम अपनी अम्मी से करवा ले। अम्मी ये क्या तमाशा है, हमारे दोस्त देख रहे हैं, जाओ यहाँ से। दोस्त बेटा तेरे अपने लिए शराब पी पी के जुआ खेल के जहन्नुम कमा ले तू, लेकिन खबरदार जो मेरी बहू का हाथ किसी हराम चीज में लगाया तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। भाईजान, जिंदगी ने ऐसी सजा दी है जो ना निगलते बन रही है और ना ही उगलते। क्या करूं मैं, रोज जिस शर्म से मैं महनाज का सामना करती हूँ ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ या मेरा खुदा। कमाल हो गया, इतना सब कुछ हो गया इस घर में और तुम अपने भाई को अपने बेटे की करतूतें अब बता रही हो? अरे सफिया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ बताती मैं भाईजान, मुझे लगा था कि हज करने के बाद इमरान ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी इजाजत अल्लाह नहीं देता। मुझे लगा था कि नेकी के रास्ते पे चलेगा वो, लेकिन कमबख्त पर तो हज का भी कोई असर नहीं हुआ। बुलाओ इमरान को, बुलाओ, अभी ठीक करता हूँ उसे। भाईजान मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप महनाज की जिंदगी आसान कर दें। ये तो तय है कि इमरान कभी सुधरने नहीं वाला, अब दोनों के बीच कोई बच्चा नहीं, कल को बच्चे की दूसरी शादी हो जाएगी, वो और पढ़ लिख जाएगी, उसकी जिंदगी बन जाएगी, कम से कम इस शैतान से छुटकारा तो मिलेगा उसे। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सब बड़े मिलकर उसे इस दलदल से निकलवा दें। हाँ सतिया, फिक्र मत करो मेरी बहन, अल्लाह सब ठीक करेगा। अरे इमरान है कहाँ, बुलाओ तो। इमरान, इमरान। अस्सलाम वालेकुम मामूजान, खैरियत है सब? मिजाज थोड़ा तुनका लग रहा है आपका। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का, और तुमने इस घर में ये क्या हंगामा बर्पा कर रखा है? देखो अपनी अम्मी की तरफ, क्या हाल बना रखा है तुमने इनका। क्या हाल बना है? आपकी घर की औरतों से तो कई गुना अच्छा हाल है। इन्हें देखिए, इनके कपड़े, ये घर, गाड़ी, सभी ऐश आराम तो है। इमरान, एक औरत को अच्छे कपड़े पहना देना, उसे अच्छी गाड़ी और अच्छा घर दे देना ही काफी नहीं होता है, और अपनी हरकत देख, अरे शराबी बन गया है, जुआरी बन गया है, अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए शर्म नहीं आती, पढ़ा लिखा होने के बावजूद। बस मामूजान बस, पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ मैं और आपसे कहीं ज्यादा काबिल हूँ। और हाँ, आप मेरे सामने तकरीर मत कीजिए, बेहतर होगा आप जाइए और अपने बच्चों को संभालिए, मुझ पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झाके देखिए। और इस वक्त निकलिए। तुम इतने गिर जाओगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे माफ कर देना सफिया, अब तुम्हें अपनी लड़ाई खुद अकेले ही लड़नी होगी, क्योंकि इसे तो अब अल्लाह ही सुधार सकता है। अल्लाह हाफिज सफिया। भाई जब मेरी बात तो सुन। और अम्मी, मेरा महनाज के साथ तलाक होगा ये ख्याल आप भूल जाइए, महनाज इसी चार दीवारी में रहेगी हमेशा।
क्या हुआ? जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है? बोलो महनाज, बोलो। महनाज, क्या तुम मां बनने वाली हो? हाँ। अम्मी अब दादी बनने वाली है, मैं बाप बनने वाला हूँ। जिंदगी में पहली बार तुमने इतनी खुशखबरी दी है, सेलिब्रेशन शुरू करिए यार। अम्मी मैं चलता हूँ, आज दोस्तों को पार्टी दूंगा, आप महनाज का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कैसे कश्मकश में डाल दिया है मुझे, समझ नहीं आ रहा है कि माँ बनने की कैसे मुबारकबाद दूँ। मेरा पास 15 लाख की चाल है इमरान भाई, संभल के। पचास लाख की उधारी हो गई तुम पे इमरान भाई, और खेलना है? इमरान भाई आज रहने दो। देखो 50 लाख की उधारी कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, लेकिन भाई आज दिन अच्छा नहीं है, आज रहने दो। माल दे बे। रहने देना यार, ऑलरेडी ये बहुत नशे में यार लेने देना यार, देना यार। चढ़ा जाओ। इमरान भाई अरे निखिल रहने देना यार, आज इमरान भाई को ज्यादा हो गई है, घर छोड़ के आते हैं, चल इनको अपने 50 लाख बाद में वसूल कर लेंगे। अरे इमरान भाई मैं छोड़ता हूँ, इमरान भाई। अरे इमरान भाई मैं छोड़ता हूँ ना। अरे 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 जाओ, पक्का चल जाऊंगा, पक्का। हेलो बाय, गुड नाइट। क्या हालत बना रखी है आपने? चुप, ये तेरा बच्चा, ये लकी नहीं है मेरे लिए, अभी तक सारा जिंदगी में आया नहीं है और पहली बार अरे पैसे हार गया मैं। 50 लाख का ना अलग उधार चढ़ गया। हवा हमेशा एक ही रुख नहीं चलती है, जो जीतता है वो हारता भी है। अच्छा हुआ आज आप भी हार गए, शायद आपकी हार ही आपको इस दलदल से बाहर निकाल सकती है। क्या कहना चाहती है वो कौड़ी की औरत? अपने घर से खाली हाथ हिलाते हुए आ गई? इंजीनियर लड़का मुफ्त में जो मिल गया। हाँ सुन, अपने बाप को बोल 50 लाख, 50 लाख का इंतजाम करके मुझको देने के लिए बोलो अपने बाप को। सही कहती, शराब और जुए के चक्कर में अच्छे अच्छे खानदानी भी भिखारी बन गए, और आज आप भी बन गए। मुझसे जबान दराजी करती है। नशे की आदत छुड़वाई जा सकती है, किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में नशे के आदि मरीजों का इलाज होता है, लेकिन उसका क्या जो खुद अपनी जान लेना चाहता है। इमरान खुद अपनी जान का दुश्मन बन गया था, नशा और जुआ उसकी जिंदगी का हिस्सा हो गए थे। वो नशे में इस कदर अंधा हो गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुद अपनी जिंदगी का दुश्मन बन चुका है। अपनी माँ और पत्नी पर अत्याचार करने के साथ ही साथ उसने अपने अजन्मे बच्चे की भी हत्या कर दी थी। साफिया जो अब तक मैनास की मदद करती आई थी, और मैनास जो अब तक मजबूर थी, क्या उसकी मजबूरी किसी विरोध में फूटेगी या फिर वो मजबूरी किसी जुर्म को अंजाम देगी? आइए देखते हैं। आप अब भी चुप हैं, कुछ तो बोलिए। अब तो हमारा बेटा कातिल भी बन गया है, महनाज की कोख में पलने वाले बच्चे की जान ली है उसने।
अपने कोख में पल रहे बच्चे को जानबूझकर गिरा दिया ना तूने, हाँ? और इसमें अम्मी ने भी तेरा साथ दिया होगा, क्योंकि वो चाहती थी कि तुझे मुझसे तलाक मिल जाए, हाँ? इसलिए मार दिया तूने मेरे बच्चे को, हाँ? बोल! क्या करे, कैसे उस बच्ची की जिंदगी बचाए, ये सवाल पूरे दिन हमारे आंखों के सामने घूमता रहता है। मैं सोच रही थी कि जो जमीन मेरे अब्बू ने हमको दी थी और जो आपके पास है जिस पर इमरान का हक है, क्यों ना वो सारी जमीन जायदाद हम मेहनत के नाम कर दें। उस बच्ची पे बहुत जुल्म हुआ है, बस अल्लाह अबू से खुश रखे। मुझे डर है वो कमीना मेहनत को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। क्या सजा दी जाए तुझे, मेरे बच्चे को मारने की क्या सजा दी जाए तुझे? बोलती क्यों नहीं है, बताएगी? अरे बोल! कातिल अपना खून किसी और के दामन पर छिड़क रहा है। किसी का दामन लाल कर देने से कोई कातिल नहीं हो जाता। कत्ल करने वाले की आंखों में दिखता है कि वही कातिल। मुझे लगता है कि कहीं इमरान, अब चलिए मेरे साथ, अब आइए आइए। इमरान, इमरान, छोड़ देना, छोड़, छोड़। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या अल्लाह का तुझे डरा भी कौन नहीं? हाँ, अल्लाह का डर, उनका खौफ आपको नहीं अब्बा? इसने पीछा छुटवाने के लिए आपने मेरे बच्चे को गिरवा दिया, साजिश की। क्यों किया आपने मेरे साथ? आपने तेरे साथ क्या कर दिया है? क्या हो गया है तू? याद रखे इमरान कि नेकी करके भूल जाना अच्छा होता है, लेकिन गुनाह करके भूल जाना गुनाह होता है। या अल्लाह, चल बेटा मेरे पास, इस कमबख्त की जिंदगी से कब बाहर निकलोगी पता नहीं। फिलहाल फिलहाल बेटा इस कमरे से बाहर चल। या अल्लाह, मैंने हर मुसीबत में तेरा दरवाजा खटखटाया है, तूने मेरे बेटे की मौत की दुआ कबूल नहीं की, लेकिन अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है, जुल्मों की सारी हदें पार हो चुकी है। जिस बेटे को इस माँ ने 9 महीने अपने कोख में रखकर पैदा किया, आज उसी के सांसें छीनने की इजाजत मांग रही है ये माँ। माफ कर दे मेरे मौला, माफ कर दे, इस मजबूर माँ के सामने अपने बेटे की मौत के अलावा और कोई चारा नहीं। मेरे अल्लाह, माफ कर दे इस माँ को। अम्मी, ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? ये क्या करती आप भी, पागल हो गई हो? अम्मी, 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 अल्लाह के वास्ते ये गुनाह अपने हाथों से ना करें। अम्मी, क्या करिए बेटा, ये हमारा हिम्मत नहीं देता।
क्या होता है ये माँ का रिश्ता, क्यों ममता रोकती है, शैतान है ये। फिर भी मेरी ममता ने जंजीरों में जकड़ के रखा है मुझे, नहीं ले सकती मैं इसकी जान, नहीं ले सकती मैं। या अल्लाह, मैं नहीं ले सकती इसकी जान। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। अरे ना बुरा, क्या कर दिया ये? हमें डॉक्टर को फोन करिए जल्दी। कुछ नहीं होगा मियां को। सुनना मेरी बच्ची, अल्लाह ने कैसे इंसाफ कर दिया, एक माँ के हाथों उसकी औलाद की मौत में ताकि उसकी ममता पर कोई सवाल न उठ सके। अरे कातिल, उसकी माँ को मार दिया तूने। अल्लाह ने तेरे साथ भी इंसाफ कर दिया मेरी बच्ची। जैसे ही मेरी आँख बंद होगी, नहीं होगी, जेल चला जाएगा, तुम फौरन तलाक ले लेना और फिर उसके बाद तुम पढ़ना, अब पैरों पर खड़े हो जाना, पैदा करना। एक बात याद रखना मेरी बच्ची, फौरन मन की मौत आजी होती है ना, तो ऐसी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जनाजे को कंधा मत देने देना। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने मेरी बीवी को मार दिया। ये होता है नशा, और नशा आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। अगर कोई आपके नशे के खिलाफ होता है तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक माँ, उसका बेटा चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो हमेशा उसका साथ देती है, उसकी हर गलती को नजरअंदाज करती है। साफिया एक बहादुर औरत थी, जो इंसान सच के साथ खड़ा होता है वो हमेशा बहादुर ही होता है। इमरान उसका बेटा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके विरुद्ध खड़ी थी, अपनी बहू का साथ दे रही थी। हम सलाम करते हैं ऐसी माँ के जज्बे को और उनकी हिम्मत को। नशा और जुआ एक ऐसी बीमारी है जो कैंसर से भी खतरनाक होती है और जिसका शायद ही कोई इलाज होता है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने करीबियों को, अपने दोस्तों को और खुद को ऐसी बीमारी से हमेशा दूर रखें। हर बच्चे को अपनी माँ को भगवान से भी ऊंचा स्थान देना चाहिए, क्योंकि माँ का प्यार हर किसी को नसीब नहीं होता। एक ऐसा नायाब रिश्ता है जिसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट की आज की इस कहानी में विदा लेता हूँ आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।